आइए क्लास शुरू करते हैं इस टॉपिक का CV2 ग्लोबल वार्मिंग एंड एसिड रेन। आइए पहले बात करते हैं ग्लोबल वार्मिंग की। तो क्लास ग्लोबल वार्मिंग का मतलब होता है एन इंक्रीज इन द अर्थ्स एवरेज एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर। इसका मतलब यह है कि अर्थ के एटमॉस्फेयर का जो एवरेज टेम्परेचर है उसका इंक्रीज होना ही ग्लोबल वार्मिंग कहलाता है। तो क्लास यहां पर सोचने की बात यह है कि वो कौन सा सोर्स है एनर्जी का जो पूरे अर्थ के एटमॉस्फेयर के टेम्परेचर को गर्म कर सकता है। तो इसका आंसर है सन। जब सन की जो एनर्जी है वो अर्थ पर आती है तो उससे अर्थ का सरफेस और उसका एटमॉस्फेयर गर्म होते हैं। तो क्लास इसका मीनिंग यह है कि अर्थ के सरफेस को और उसके एटमॉस्फेयर को गर्म करने के लिए जो मेन सोर्स है वो तो सन से आई हुई एनर्जी ही है। लेकिन क्लास जब भी हम ग्लोबल वार्मिंग की बात करते हैं तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिस टर्म को जिम्मेदार ठहराया जाता है वो है ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो चलिए क्लास जानते हैं कि ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है और इसका ग्लोबल वार्मिंग के साथ क्या रिलेशन है। सबसे पहले जानते हैं कि ग्रीन हाउस क्या होता है, फिर उसके इफेक्ट के बारे में जानेंगे। तो क्लास क्या आप जानते हैं कि इन कोल्ड प्लेसेस फ्लावर्स वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स आर ग्रोन इन ग्लास कवर एरियाज कॉल्ड ग्रीन हाउस। यानी कि जो ठंडे प्रदेश होते हैं, जो ठंडे इलाके होते हैं जहां पर कंडीशंस ऐसी नहीं होती है कि वहां पर फ्लावर्स वेजिटेबल्स और फ्रूट्स ईजिली उगाए जा सकें, तो वहां पर हम क्या करते हैं कि एक प्रकार के कवर से उस एरिया को कवर कर देते हैं जहां पर फ्लावर्स वेजिटेबल्स और फ्रूट्स उगाने होते हैं, और इस प्रकार के कवर को ही हम ग्रीन हाउस कहते हैं, जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं। अब क्लास ये जो ग्रीन हाउस होता है ये सन से आने वाली गर्मी को अंदर ही रोक कर रखता है जिससे पेड़ पौधों को आवश्यक गर्मी या हीट मिल पाती है और वो ग्रो कर पाते हैं। आइए समझते हैं कि ग्रीन हाउस ऐसा कैसे कर पाते हैं। तो क्लास आई होप कि अब आप ये समझ चुके हैं कि ग्रीन हाउस क्या होते हैं। और क्लास ग्रीन हाउस की जो ये प्रॉपर्टी होती है हीट को रोक कर रखने की, इसी को हम बोलते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो आइए समझते हैं कि ग्रीन हाउस इफेक्ट कैसे वर्क करता है। तो क्लास जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहां पर एक प्लांट है और इसको कवर किया गया है एक प्रकार के ग्रीन हाउस से। जब जो सन है उसका रेडिएशन इस ग्रीन हाउस के अंदर आता है तो इस प्लांट को रिक्वायर्ड हीट मिल जाती है। लेकिन जब यह प्लांट और सॉइल अपनी हीट को बाहर छोड़ते हैं तो वो हीट इंफ्रारेड रेडिएशन के फॉर्म में निकलती है। और ये जो ग्रीन हाउस होता है ये इंफ्रारेड रेडिएशन को बाहर नहीं जाने देता है, बिकॉज ग्लास इज ओपेक टू IR। यानी कि ये जो आपका ग्रीन हाउस है ये IR इंफ्रारेड रेडिएशन के लिए ओपेक होता है। तो क्लास यहां पर बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि ये जो ग्रीन हाउस है ये सन के रेडिएशन को अंदर तो आने दे रहा है लेकिन जो एक्सेस रेडिएशन है प्लांट और सॉइल से निकलने वाला ये उसको बाहर जाने नहीं देता है, जिसकी वजह से हीट अंदर इकट्ठी होती है और ग्रीन हाउस का जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज होता है और इसीलिए पेड़ पौधों को रिक्वायर्ड टेम्परेचर मिल पाता है ग्रो होने के लिए। तो क्लास आई होप अब आप ये समझ गए होंगे कि ग्रीन हाउस के अंदर का टेम्परेचर किस प्रकार से इंक्रीज होता है और इसी को बोलते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। आइए क्लास अब समझते हैं कि ग्रीन हाउस इफेक्ट अर्थ के एटमॉस्फेयर के एवरेज टेम्परेचर को कैसे बढ़ा सकता है और इसे हम नेचुरल ग्रीन हाउस इफेक्ट भी कह सकते हैं। तो क्लास हम जानते हैं कि जो अर्थ है उसका अपना एक एटमॉस्फेयर है जहां पर बहुत सारी गैसें पाई जाती हैं, जिनमें से कुछ गैसें जो कि ग्रीन हाउस इफेक्ट में कंट्रीब्यूट करती हैं वो हमने यहाँ पे शो की हुई हैं, जैसे कि मिथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स,
कार्बन डाइऑक्साइड और ओजोन। और क्लास ये जो गैसें हैं जो ग्रीन हाउस इफेक्ट में कंट्रीब्यूट करती हैं, इनको हम बोलते हैं ग्रीन हाउस गैसेस। तो क्लास जब सन की हीट अर्थ पे पड़ती है तो उसका 75% अर्थ सरफेस एब्जॉर्ब कर लेता है और इस तरह से अर्थ का जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज होता है। और जब अर्थ अपनी हीट को रेडिएट करती है, जिसे हम अर्थ का कूलिंग प्रोसेस भी कह सकते हैं, तो क्लास क्या होता है कि बहुत बड़ी मात्रा में जो हीट है वो ग्रीन हाउस गैसेस द्वारा ट्रैप कर ली जाती हैं। यानी कि उस हीट का एक बहुत बड़ा हिस्सा हमारे एटमॉस्फेयर से बाहर जा ही नहीं पाता है, हमारे एटमॉस्फेयर में ही ग्रीन हाउस गैसेस द्वारा ट्रैप हो जाता है, जिसकी वजह से जो हमारा एटमॉस्फेयर है उसका जो एवरेज टेम्परेचर है वो इंक्रीज होता है और ये कारण बनता है ग्लोबल वार्मिंग का। आइए अब देखते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग के इफेक्ट्स क्या क्या होते हैं। इसमें है मेल्टिंग ऑफ पोलर आइस कैप्स, यानी कि पोल्स पर जो आइस है वो मेल्ट होना शुरू हो जाती है। फ्लूडिंग ऑफ लो लाइन एरियाज, जब आइस बड़ी मात्रा में मेल्ट होती है तो उससे पानी का स्तर बढ़ता है, तो इससे निचले इलाकों में बाढ़ जैसे हालात उत्पन्न होते हैं। और जब बाढ़ जैसी कंडीशंस में जगह जगह पर पानी इकट्ठा होता है तो उससे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बहुत सारी बीमारियां फैलती हैं, जैसे डेंगू, मलेरिया, येलो फीवर और स्लीपिंग सिकनेस। आइए क्लास अब समझते हैं एसिड रेन के बारे में। तो क्लास क्या आप जानते हैं कि जो रेन वाटर होता है उसमें हाइड्रोजन आयन्स की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो थोड़ी हाई होती है, या यूं कहें कि उसका जो पीएच होता है वो लो होता है। अगर हम थोड़े रेन वाटर को इकट्ठा करें और उसमें पीएच पेपर डिप करें तो हमको मालूम चलता है कि जो रेन वाटर का पीएच है वो लगभग 5.6 होता है, यानी कि 7 से लो होता है, या हम यूं कहें कि रेन वाटर थोड़ा सा एसिडिक होता है। लेकिन क्लास अगर रेन का पीएच 5.6 से भी कम हो जाए तब हम उस रेन को एसिड रेन कहते हैं। तो क्लास यहां पर दो बातें हैं कि एक तो नॉर्मल रेन का जो पीएच होता है वो खुद ही 7 से कम यानी कि 5.6 होता है, बट अगर पीएच रेन वाटर का 5.6 से भी कम हो जाए तो उस कंडीशन में टर्म यूज करते हैं एसिड रेन। तो क्लास यहां पर एक क्वेश्चन अराइज होता है कि वाई पीएच ऑफ रेन वाटर इज लिटिल एसिडिक और इक्वल टू 5.6, तो क्या कारण है कि जो बारिश का पानी है उसका पीएच 7 ना होकर 7 से कम होता है। तो आइए समझते हैं। तो क्लास जो रेन वाटर होता है उसमें एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड घुल जाती है, जिससे कार्बोनिक एसिड यानी कि H2CO3 फॉर्म होता है। और हम जानते हैं कि कार्बोनिक एसिड एक वीक एसिड है, इसीलिए ये कार्बोनिक एसिड वाटर में ही डिसोसिएट होता है और H+ आयन्स की कॉन्सेंट्रेशन को इंक्रीज करता है, साथ में प्रोड्यूस करता है हाइड्रोजन कार्बोनेट आयन। तो क्लास यहां से ये समझना बहुत सिंपल है कि अगर वाटर में कोई चीज H+ आयन्स की कॉन्सेंट्रेशन को इंक्रीज कर रही है तो वो वाटर के पीएच लेवल को डिक्रीज कर देगी, यानी कि हमारा वाटर थोड़ा सा एसिडिक नेचर की तरफ जाएगा। और क्योंकि कार्बोनिक एसिड एक वीक एसिड है इसलिए इसका इफेक्ट बहुत थोड़ा होता है और वाटर का जो पीएच है वो केवल 5.6 के आसपास ही गिर पाता है, इसलिए रेन वाटर थोड़ा सा एसिडिक होता है। आइए क्लास अब जानते हैं हाउ एसिड रेन इज फॉर्म्ड, यानी कि उस कंडीशन के बारे में जब रेन वाटर का जो पीएच है वो 5.6 से भी नीचे चला जाता है। तो क्लास ये तो हम जानते हैं कि इंडस्ट्री से बड़ी मात्रा में सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलती है, वहीं दूसरी ओर जो हमारे ऑटोमोबाइल्स होते हैं उनसे बड़ी मात्रा में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, और जब ये सल्फर डाइऑक्साइड गैस ऑक्सीजन की उपस्थिति में वाटर के साथ रिएक्ट करती है तो ये सल्फ्यूरिक एसिड फॉर्म करती है। और क्लास यहाँ पर जो ये वाटर है ये रेन वाटर है। इसी प्रकार से जब नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस ऑक्सीजन की उपस्थिति में रेन वाटर के साथ रिएक्ट करती है
तब वो नाइट्रिक एसिड फॉर्म करती है। और हम जानते हैं कि सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड दोनों ही स्ट्रॉन्ग एसिड हैं, और इसीलिए दोनों ही एसिड मेजर कंट्रीब्यूटर्स हैं एसिड रेन के लिए। आइए क्लास एसिड रेन के कंप्लीट साइकिल को समझने की कोशिश करते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कुछ इंडस्ट्रीज और ऑटोमोबाइल्स दिखाए गए हैं, तो जब ये रन करते हैं तो इनसे बड़ी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जैसी गैसेस निकलती हैं। और जब ये गैसें एटमॉस्फेयर में जाती हैं और वहाँ पर इनका फर्दर ऑक्सीडेशन होता है और ये रिएक्ट करती हैं वाटर के साथ, तब उस कंडीशन में NO2 नाइट्रिक एसिड फॉर्म करती है, CO2 कार्बोनिक एसिड फॉर्म करती है और SO2 सल्फ्यूरिक एसिड फॉर्म करती है। और ये एसिड्स रेन वाटर के साथ वापस नीचे जमीन पर आते हैं, और इसी प्रकार की रेन को हम बोलते हैं एसिड रेन। आइए अब देखते हैं इफेक्ट ऑफ एसिड रेन। तो क्लास एसिड रेन एग्रीकल्चर के लिए बहुत हार्मफुल होती है। इससे रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स जनरेट होती हैं और ये एक्वेटिक इकोसिस्टम को भी डिस्ट्रॉय कर सकती है। इसके साथ साथ ये वाटर पाइप्स को करोड करती है और ये डैमेज कर देती है स्टोन स्ट्रक्चर्स को, खासकर मार्बल स्ट्रक्चर्स को।